नमस्कार दोस्तों, बात 17 फरवरी के सुबह 8 बजे की है, यानी कि जिस दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर शुरू होना था, पहली शिफ्ट होनी थी। सुबह 8 बजे मेरी बात हो रही थी एक लोगों से, उन्होंने कहा सर पेपर तो वायरल हो गया, मार्केट में पहले से चल रहा है। हमने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा है तो आप मुझे वो पेपर जो लोग कह रहे हैं कि ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का है वो मुझे फॉरवर्ड करवाइए। मैं इमीडिएट अभी जो है YouTube पे जाके बोलता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो पेपर मेरे पास नहीं आया। तो मुझे लगा शायद ऑथेंटिसिटी नहीं होगी उसमें, क्योंकि बिना ऑथेंटिसिटी के हम कोई भी चीज़ यहाँ नहीं करते और कोई भी चीज़ करनी भी नहीं चाहिए विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी। वो पेपर मेरे पास नहीं आता है। दोपहर के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। हमने कहा अच्छा अब देख लो जरा कि जो पेपर हुआ था और जो वो कह रहे थे कि पेपर आया हुआ है वो क्या सेम है। उन्होंने कहा ठीक है मैं फॉरवर्ड करवा देता हूँ आपको, आप चेक कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, शाम तक वो मेरे पास पेपर आता है। मैंने चेक किया तो वो पेपर नहीं था। अब या तो फिर उनको गलत फॉरवर्ड किया गया जिस व्यक्ति ने फॉरवर्ड किया है, या हो सकता वही उसको मिला हो और उसको लग रहा हो कि ऐसा है। क्योंकि मैंने पहले ही पूछा था कि आपका पेपर कब है, तो उन्होंने कहा था मेरा अगले दिन पे पेपर है। तो हमने कहा ठीक है, ये फिर इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा बंदा। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरीके लगे हुए थे कि पेपर कैसे भी करके कहीं से भी लीक हो। लेकिन जो मेरे पास पेपर आया वो नहीं था वो पेपर, तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ कि यार शायद इस बार वायरल नहीं होगा, इस बार पेपर लीक नहीं होगा। यूपी अगर टेट की बात कर लें, सी टेट की बात कर लें, सब पेपर वेपर एकदम मार्केट में एकदम भरमार छाए हुए थे। वैसे तरीके से कुछ यहाँ सीन शायद नहीं है और चीजें सही तरीके से चल रही है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, काम सही होगा। लेकिन बाद में पता चलता है, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मैं नहीं आ पा रहा था आप लोगों के सामने, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि यार यहाँ तो कहानी ही कुछ अलग चल रही, सब टेलीग्राम वगैरह पे सब वायरल चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे सी टेट के मामले में, यूपी टेट के मामले में लोगों के पास में बहुत पहले से पेपर पहुंच जा रहा है, एडवांस में पहुंच जा रहा था। और भर्ती बोर्ड फिर भी डिनाई कर रहा है कि यार कि पेपर लीक हुआ है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कह रहा कि नहीं बहुत स्ट्रिक्टनेस रही और बहुत सारी चीजें रही और कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। यहाँ देख पा रहे होंगे लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक है, यूपी पुलिस भर्ती दोबारा होनी चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कहीं ना कहीं पे। और ये कानपुर सेंट्रल यानी कि कानपुर का जो रेलवे स्टेशन वहां की दृश्य है, ये बंदे इस तरीके से पेपर देने जाते हैं, इस तरीके से सोते हैं। आपके फेमस आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया था और बहुत पहले ही ट्वीट किया था। अब सोचिए देखिए चीजें किस तरीके से चल रही हैं, क्या वो थोड़ी ना चीजें सही आपको बताएंगे। देखिए ये पेपर वायरल हो रहा था। अब सोचिए कि जब कोई व्यक्ति पहुंचता है एग्जाम पे तो मेटल डिटेक्टर के थ्रू और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के थ्रू उसकी जाँच करी जाती कि कोई डिवाइस कोई चीजें लेकर तो नहीं अंदर जा रहा है। अब सोचिए उसको डिवाइस की क्या ही जरूरत होगी, क्या चीजें करनी होगी अगर उसको पेपर बाहर ही मिल जा रहा है, उसको खाली आंसर आंसर वहां पे टिक करने। फिर ये तो यही हो गया कि वहां पे बहुत सिक्योरिटी, लेकिन पेपर पहले से मार्केट में घूम रहा है, लोगों के पास घूम रहा है, तो फिर उस सिक्योरिटी का क्या मतलब रहा है। ये तो सिक्योरिटी आपको तब काम आती है जब किसी के पास कोई पेपर नहीं। अब देखो इस तरीके से चीजें हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको वायरल होती हुई चीजें में दिख रहे होंगे, भाई सेटिंग करने वाले लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई पेपर जो है आपको देंगे लीक करके और सोल्यूशन भी देंगे, अब ये इतना पैकेज है ऐसे ऐसे करके। खैर आपका जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था ये आपका लगभग 2 मिलियन आपका ट्रेंडिंग में गया, ये इस तरीके से सोशल मीडिया पे 17-18 फरवरी का यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ, सोशल मीडिया कांस्टेबल भर्ती पर लीक होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच यूपी की अफवाह फैलाने वाले खिलाफ एक्टिव हो गई। ठीक है अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए, लेकिन आपको सच्चाई की भी तो जांच करनी चाहिए कि कोई ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा होगा, आग लगी होगी तभी तो धुआं हो रहा है, कहीं ऐसे देखा आपने बिना आग के धुआं होते हुए। यानी आपको सबसे पहले तो जांच करनी चाहिए। अब ये अमरोहा के ललित पाठक जी हैं जिन जो कोचिंग चलाते थे उनको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे मैं आपको ट्विटर पे लेके चलता हूँ, आपको देखिए इस तरीके से इतने ठोस सबूत दिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा और इनकी जांच ना करके आदमी जो है पकड़ा जा रहा है जो लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है। आप एक बार अच्छे से जांच कर लीजिए।
अगर कोई भ्रमित कर रहा है, चीजें कर रहा है, तो आप उसे पकड़िए। लोगों पास ठोस सबूत हैं, लोग सबूत दे रहे हैं कि देखिए ये पेपर लीक हुआ है। इंटरनल कमेटी बनाई गई है, वो इंटरनल कमेटी क्या करने वाली, कैसे करने वाली। इंटरनल कमेटी का तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अब अगर पेपर वहीं से लीक हुआ, वहीं की कमेटी है अगर, तो कहां तक चीजें सही रहेंगी, या बन रही कमेटी तो कितनी जल्दी चीजें रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, कब आएगा, एक समय सीमा होनी चाहिए, निश्चित समय सीमा होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए। और जो सबूत उनको दिए जा रहे हैं, उनके लिए आपको बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे सबूत कैसे दिए जा सकते हैं, उनको चेक कराना चाहिए, उनको सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। आप देखिए ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो पेपर है, उसमें 150 में 114 क्वेश्चन जो है क्रमवार, ये बिल्कुल सिक्वेंसली बिल्कुल सही तरीके से करके आया है बंदा। अब ये पकड़ा गया वहां पे, ठीक है, पूछताछ कर रही, माना जा रहा है कि इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है, ठीक है। अब देखिए अमिताभ ठाकुर जी का है, जो कि अमर उजाला पे निकला हुआ था, अमिताभ ठाकुर जी ने जो है ट्वीट किया हुआ था, ये सब रिक्वेस्ट करी हुई थी कि भाई ऐसा है कि जो पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि परीक्षा से पहले पेपर के प्रश्न लीक हो रहे हैं, टेलीग्राम के ग्रुप पर ये प्रश्न मिले हैं जिनका मिलान करने पर ये खुलासा हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, 37-38 प्रश्न एज इट इज डिट्टो डाल दिए गए थे, ये सारा इनका यहाँ पे कहना था, और सब चीजें यहाँ पे मिल रही। देखो जरा ये सारी चीजें आपको 26-9 ये आंसर वहां बताए जा रहे हैं। देखो जरा क्या क्या आंसर बताए जा रहे हैं, जो इसमें था, एक तो नई दिल्ली था, गृह मंत्रालय था, भारत रत्न था, 26 नवंबर था, दही था, मुंशी प्रेमचंद था, मिस्त्री अर्थव्यवस्था था, डिजी लॉकर था, सर था, मथुरा था, तेलंगाना था, ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में मिले, उनके आंसर है। अच्छा इसी तरीके का नहीं, आपको चीजें अलग भी देखने को मिल रही होंगी, इस तरीके से चीजें वायरल हो रही थी कि आप देखिए जरा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी लिखे हुए थे, क्वेश्चन भी लिखे हुए थे, और आंसर आपको वहां पे मिल रहे थे, कुछ के आंसर मिल रहे थे, कुछ सवाल मिल रहे थे, कुछ चीजें मिल रही थी। आप देखिए 9 बजे का, 18 फरवरी का है ये, है ना, ये ट्विटर पे ही ट्वीट पड़े हुए, तो आप देखिए जरा कहाँ तक आपको इनमें सब चीजें चेक करनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे बच्चे बहुत परेशान, बहुत निराश हैं, बहुत हताश हैं, ट्विटर पे भी बराबर वो ट्वीट कर रहे हैं, चीजें अपनी कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है, चीजें नहीं हो रही हैं उस तरीके से। और ये बिल्कुल पेपर जो है ये री एग्जाम होना चाहिए, आपको सबसे पहले तो बहुत बेहतर तरीके से चेक करना चाहिए कि जो पेपर लीक हुआ है वो कहाँ से हुआ है, क्यों आप इस तरीके से नहीं नकेल टाइट कर पा रहे हैं कि सॉल्वर गैंग वाले हाथ जोड़ लें। सॉल्वर गैंग वालों की इतनी ज्यादा पावर हो जा रही है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी पेपर लीक करा दे रहे हैं, लीक तो छोड़ दो, वायरल हो जा रहा है इतनी बुरी तरीके से, तो जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको कहां तक न्याय मिलेगा। माना कि बच्चे ही लीक करवाने के लिए पीछे लगे रहते, क्योंकि अगर कोई बच्चा ये नहीं कोशिश करेगा कि मुझे पेपर मिल जाए, मुझे पेपर मिल जाए, तो फिर कुछ करना ही नहीं है, आराम से आदमी पढ़ाई करे और चीजें हो जाए। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं तो स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। अगर वो बच्चा जाएगा आपके यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होगा या किसी भी जगह पे भर्ती होगा, तो वो तो घूसखोर ही बनेगा, क्योंकि वो पहले से पैसे देकर आया है, तो सबसे पहले तो वो अपना पैसा निकालेगा, क्योंकि प्रधान लोगों का देख लीजिए आज का सिनेरियो की इलेक्शन लड़ने के लिए इतना सारा पैसा लगा देते, फिर बाद में सबसे पहले तो वो अपना पैसा निकालते हैं, कहते 5 साल का जो है वो वसूलना है, तो वैसे ये भी करेंगे, गलत FIR रजिस्टर करेंगे, गलत चीजें करेंगे, किसी को फंसा देंगे, कहीं से कैसे भी पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस तरीके के लोग डिपार्टमेंट में जाएंगे तो डिपार्टमेंट में कितनी जान बचेगी, अगर स्टार्टिंग से ही सब चीजें वैसी चलती चली जाएंगी, तो जो बाद में न्याय मिलना चाहिए इंसान को वो कैसे मिलेगा, क्योंकि जो खुद भ्रष्ट है तो दूसरे को तो भ्रष्ट करेगा ही करेगा। सबसे पहले तो हमारी गुजारिश है अपनी सरकार से, भर्ती बोर्ड से, आयोग से, कि बहुत अच्छी तरीके से जांच करें, और पेपर कैंसिल होना चाहिए अगर इतनी मात्रा में लीक हुआ है, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता है। सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए कौन कौन से शिफ्ट में लीक हुआ है, वो तो कैंसिल होना ही होना चाहिए, और साथ ही में अगर मान लो किसी के कम प्रमाण पत्र मिलते हैं तो उसे भी कैंसिल करना जरूरी है, क्योंकि न्याय सबके साथ बराबर ही होना चाहिए। माना कि पेपर कराने में बहुत मेहनत लगती, बहुत सारा पैसा लगता, बहुत सारा धन
का नुकसान होता है, अगर ये दोबारा से पेपर होगा तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा फंड नुकसान होगा, लेकिन अगर न्यायिक ही नहीं है, वो न्यायपूर्ण ही नहीं हुआ है, लीक हो गया है, तो उसको तो दोबारा कराना ही पड़ेगा, उसको कराना ही चाहिए। तो मेरी बस इतनी ही गुजारिश है सरकार से, आप लोगों से, कि आप सही लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सारे बच्चों को न्याय मिल सके, जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, रोड पे उतर आए हैं, गुजारिश कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, बाकी लोगों से, सभी को न्याय मिल सके और सभी बच्चे खुशहाल रह सकें। क्योंकि हम लोगों का जो नैतिक कर्तव्य है लोगों तक पहुंचाना बात को और पढ़ाना, उतना ही नैतिक कर्तव्य है अगर किसी साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसे न्याय दिलाना। जय हिंद, जय भारत।